जूम नहीं होगा, कैमरा में जूम सिस्टम नहीं है, पर फिर भी भाई सारे घर घूमेंगे, ब्लॉगिंग करेंगे, खुद करेंगे, चेकिंग करेंगे। गार्डन की तरफ से आता था भाई, और वो रोड मुझे शायद पता नहीं हर बार का मतलब मेन भी नहीं आता था, मतलब लास्ट में जब आया था मैं गार्डन में सो गया था और वहाँ वर्क चल रहा था, बोला था टिकट विकट भी लगेगा और वहाँ मतलब कुछ शिफ्ट था पता नहीं चेंज कर दिया भाई। ये कुछ फतेह सागर जैसा ही सीन हो गया, उदयपुर का जो फतेह सागर है तुम्हें नज़र आएगा कि नहीं आएगा, बट वहाँ सामने बहुत शानदार व्यू है भाई। बड़ी बड़ी कैमरे में छोटे दिख रहा हूँ भाई, ये बहुत बड़े हैं ये। मेरा कैमरा पानी में गिरता है तो ये वाटरप्रूफ है, बट ये क्या है कि पानी में जाने के बाद वाटरप्रूफ है, पानी नहीं लगेगा खराब नहीं, निकालना मुश्किल हो जाएगा भाई, इसलिए मैं ज्यादा नजदीक नहीं जा रहा। मैं जो चीज ढूंढ रहा हूँ भाई वो नहीं मिल रहा यार, मौसम ठंडा है, हल्की हल्की धूप है, काफी अच्छा लग रहा है भाई। और मैं शायद वापिस सोच रहा हूँ चला दूँगा, टाइम हो रहा क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं भाई, घड़ी में घड़ी तो है नहीं, मतलब मोबाइल में देखेंगे यार।
नहीं दिख रहा होगा, बट शानदार व्यू है सामने की तरफ। बच्चे हैं भाई, खेल रहे हैं। अरे यार, तो मतलब कहते ब्लॉगिंग कर रहे हो, फिर कहते हैं कि यार हमारा कट मत करना। तो भाई मैं किसी का ही कट नहीं करता, मैं करा देता हूँ जिसको कराता हूँ। वैसा ब्लॉगिंग कर रहे हो क्या, तो हमारा भी ले लो यार, कट मत करना। तो मैं कट कट नहीं करता हूँ, मैं कट करना होता है तो मैं किसी का लेता ही नहीं। ऐसे ही मेरे साथ दरगाह में हुआ था और मैं भाई मना नहीं कर रहा, मैंने कहा भाई जो आ रहे हैं वो आ जाएगा भी उसमें। ठीक है यार, काफी अच्छा व्यू है भाई। और मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा था वो चीज मुझे नजर आ गई, वो है वो गार्डन जो मैं बोल रहा था ना, वो मैं गलत रूट पर गलत चला गया था और मैं शायद स्ट्रीट टाइप आ गया था भाई। ये इधर है, तो सामने आपको नजर आ रहा होगा भाई। चलता हूँ मैं वहीं से व्यू कर देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि यहाँ से पूरी फतेह सागर उदयपुर में या फिर ऐसे बोलते ताल के पास में जो स्ट्रीट होती है सीधी सीधी वो थी। और मैं अंदर जाके पर मैं आपको बड़ा ज़्यादा दिखा देता हूँ जो मैं क्लोजिंग से दिखाने वाला था। तरफ इस तरीके से बने हुआ है, मार्बल मार्बल है भाई, डिजाइन बने हुआ कुछ रूम से बने हुए हैं। पब्लिक Thank you.
भाई बहुत पब्लिक है यार, ना पर डे यही रहता है। और 25 रुपए अराउंड बस ये तो भाई ज़्यादा ही है, नहीं लेना इस फ्री से तो फ्री नहीं की थी, थोड़ा सा गार्डन का काम करा दिया, थोड़ा सा सीसी और लोहे की रिल लगा दी और टिकट पता नहीं गवर्नमेंट में जाता है कि नहीं जाता। अच्छा आता ऐसा नहीं कि नहीं आता, जैसी वीडियो क्लियरिटी आ रही वैसे इमेज भी आता भाई, बट नहीं तो मोबाइल से करूँगा भाई। और बस ना सागर का कुछ सही सीन था भाई, ये काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर लगा भाई, उधर से निकल के इधर आ जाओ। और यहाँ पर कुछ हमारे देश के लवर्स ने अपने मतलब कहानी लिखी है, मतलब लवर्स ने अपने नाम लिखे भाई। वहाँ बोटिंग हो रही भैया, उस तरफ भी कुछ है बट मजा नहीं रहा, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो ऑलमोस्ट ये वीडियो यहीं क्लोज कर देते हैं शायद अन्ना सागर की, क्योंकि मैं करेंगे उसके बाद फिर हम करेंगे जयपुर,
रायपुर के बाद हम देखते हैं फिर राजस्थान का कौन सा अच्छा बोर्ड है। ऑलमोस्ट जितना जल्दी होगा मैं सारे ट्रिप पूरे कर लूँगा और उसके बाद फिर देखते हैं राजस्थान क्लियर करने के बाद इंडिया का कोई ट्रिप करते हैं, नहीं तो नेपाल का मूड है मेरा भाई, मैं नेपाल जाने वाला हूँ। और नेपाल की भी जल्दी हो जाएगी पहले, इसके बाद अब मिलते हैं हम सीधा इंस्टाग्राम वाले वीडियो पर। और जिन जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जेरी शम करके है, जेरी बॉय शम करके मेरा यूट्यूब इंस्टाग्राम चैनल है, तो उसको मैं लेटेस्ट अपडेट अब डालता रहूँगा, पहले नहीं डाल रहा था बट अब डालूँगा, तो भाई उसको भी आप फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि अपने वहाँ भी जाऊँगा तो एक टाइम पर लाइव इंस्टा पर आ जाऊँगा तो आपको अपडेट मिलती रहेगी माँ। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब्सक्राइब कर लो, मिल रहा है बट मेरे पास बहुत सारा भाई मिलने वाला कह रहा था भाई यूट्यूब पर मैंने सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं सब्सक्राइब कर लो भाई, आलू के पराठे बन रहे हैं भाई छोले की सब्जी के साथ, बट नहीं यार क्या होगा ठीक है क्योंकि पता नहीं कब इंसान बीमार हो जाए, साथ वाला हो ही गया भाई होटल में है भाई सो रहा हो। ठीक है वीडियो लंबी हो जाएगी भाई ज़्यादा बनाऊंगा तो जब तक मैं रेलवे स्टेशन पहुँचता तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए शेयर कीजिए और इंस्टा पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे मैंने दिखा दिया उसका चैनल क्या नाम है। Thank you.
रखी है। ये कुछ जयपुर जंक्शन का नजारा ट्रेन आने के बाद, धूप में ज्यादा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं इनको भाई साहब।